नमस्कार दोस्तों, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हिस्ट्री का पाठ दो, जो ये इकाई वन है, यानी कि यूनिट वन है, इसका पाठ दो है, जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल, जिसका हम आज भाग एक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, भाग दो कल आएगा, भाग एक आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो वीडियो को अंदर पूरा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप ये कोर्स देख रहे हैं तो अगर आप बिल्कुल फ्री में करना चाहते हो तो वीडियो देखिए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, पेन पेपर उठाइए। तो अगर आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो आपको सीधे पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड में उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम शुरू करते हैं प्राचीन भारतीय इतिहास। तो फ्रेंड्स देखिए, इसके पहले मैंने लेक्चर दिया था जिसमें मैंने क्रोनोलॉजी यानी कि कालक्रम करवाया था, तो अब इसमें हम करेंगे प्राग ऐतिहासिक युग यानी कि प्री हिस्ट्री। तो फ्रेंड्स देखिए, प्राग ऐतिहासिक युग कौन सा है, ये कौन सा युग है? ये वो युग है जहाँ पर कोई राजा महाराजा नहीं थे, कोई कुछ नहीं था। तो इस इतिहास का हमें पता कैसे चला? इसका हमें पता चला टूल से, यानी कि जो उपकरण उस समय जो इस्तेमाल होते थे, जैसे देखिए खुदाई करते समय मिट्टी के बर्तन निकले, कुछ पत्थर के हथियार निकले, कुछ ऐसी चीज़ें निकली जिससे हमें इस युग का पता चला। यानी कि राजा महाराजा नहीं थे, तो जो उपकरण थे उससे हमें प्रोग ऐतिहासिक काल का या युग का पता चला। तो ये वो कंडीशन है जब जो प्राचीन इतिहास है उससे पहले वाला युग, यानी कि जो प्राचीन इतिहास है उससे पहले वाला युग है, उसे प्रोग ऐतिहासिक युग कहा जाता है। तो फ्रेंड देखिए, ये पूर्व इतिहास का विचार मुश्किल से 200 साल पुराना है। देखिए 200 साल पुराना है, 200 साल पुराना कैसे है पूरा जानते हैं। देखिए, इतिहास से पहले का शब्द है, यह 1833 में एम टर्नर द्वारा इस्तेमाल किया गया था। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा है कि जो प्रोग ऐतिहासिक युग जो शब्द है, यानी कि जो प्री हिस्ट्री या प्रोग ऐतिहासिक जो वर्ड है, जो शब्द है, ये सबसे पहले 1833 में इस्तेमाल किया था एम टर्नर ने। डॉक्टर प्रिमोसेक, यहाँ पे प्रिमरोज भी आ सकता है, प्रिमोसेक भी है, प्रिमरोज जो है, उन्होंने 1842 में कर्नाटक में लिंगसगूर नामक स्थान पर प्रोग ऐतिहासिक औजार की खोज करके भारतीय पूर्व इतिहास को फिर से परिभाषित किया। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा यहाँ पे ये है कि देखिए, जो प्रोग ऐतिहासिक जो शब्द है वो सबसे पहले एम टर्नर ने इस्तेमाल किया 1833 में, फिर उसके ठीक 9 साल बाद डॉक्टर प्रिमोसेक ने या डॉक्टर प्रिमरोज ने कर्नाटक के लिंगसगूर नामक स्थान पर जो प्रोग ऐतिहासिक औजार थे, यानी कि जो प्री हिस्ट्री या प्रोग ऐतिहासिक समय के जो औजार थे, जो पत्थर जिसमें पत्थर के चाकू और तीर के सिर क्या है, जो तीर का होता है, जो त्रिकोण वाला जो हिस्सा होता है, जो आगे वाला, ठीक है, वो मिले थे, उससे इस प्रोग ऐतिहासिक युग का पता लगाया जा सका। यानी कि ठीक आज से 200 साल पहले प्रोग ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उनकी खोज की गई, इससे इस युग का पता चला। तो इसका शब्द दिया था एम टर्नर ने, तो इसके जो औजारों की खोज की थी वो की थी डॉक्टर प्रिमरोज ने 1842 में कर्नाटक के लिंगसगूर नामक स्थान पर। अब देखिए यहाँ पे आया है कि रॉबर्ट ब्रूस एक अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय प्रोग ऐतिहासिक के बारे में हमारे ज्ञान को समृद्ध किया, जब उन्होंने दक्षिण भारत में बड़ी संख्या में प्रोग ऐतिहासिक स्थलों की खोज की और पाषाण कलाकृतियों का संग्रह किया। अब देखिए, इन दोनों के अलावा जो रॉबर्ट ब्रूस थे वो कौन थे? वो थे जिन्होंने प्रोग ऐतिहासिक जो प्री हिस्ट्री है, जो प्रोग ऐतिहासिक युग है, जो काल है, उसके बारे में हमें और ज़्यादा नॉलेज प्रदान की। क्योंकि देखिए कि सबसे पहले जिन्होंने वर्ड दिया, फिर उसके बाद प्रिमोसेक या प्रिमरोज ने उसकी खोज की, तो रॉबर्ट ब्रूस ने प्रोग ऐतिहासिक स्थलों की बहुत ज़्यादा खोज की, जगह जगह पर खोज की, जिससे हमें पाषाण युग की कलाकृतियाँ और मिली। आप देखिए कि अगर किसी जगह पर प्रोग ऐतिहासिक चीज़ के बारे में जैसे कोई खुदाई हो गई तो उसे जारी रखा गया, तो जगह जगह पर इतनी खोज कर दी गई कि हर जगह से, जो साउथ इंडिया है, हर जगह से तकरीबन वहाँ से प्रोग ऐतिहासिक युग के उपकरण निकलने लग गए, जिससे क्या है कि हमारा जो ज्ञान है वो और समृद्ध होता गया। तो सिंपल कहने का ये मतलब है कि रॉबर्ट ब्रूस ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने प्रोग ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा खोजा और उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया।
ये शुरुआती प्रयास भारत को दुनिया के प्रौग ऐतिहासिक मानचित्र पर नहीं रख सकते। अब देखिए, ये जो शुरुआती प्रयास थे, यानी कि शुरुआती प्रयास कौन से थे कि कभी किसी ने आके जो है कभी किसी ने आके खोज की, फिर कभी किसी ने खोज की, तो वो देखिए कि जो शुरुआती प्रयास थे, शुरुआती प्रयास क्या है कि जब जब कुछ समय में थोड़ी थोड़ी जगह पर प्रौग ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उनका पता लगाया जा सकता था। अब देखिए, इन्हें हम वर्ल्ड के जो मैप पर नहीं रख सकते थे, पर लेकिन 1921 में सर मॉर्टिमर व्हीलर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत के संपूर्ण पूर्व ऐतिहासिक संस्कृति अनुक्रम के बारे में ज्ञान हो गया, जिसने भारत को प्रौग ऐतिहासिक के विश्व मानचित्र पर धूमिल कर दिया। अब देखिए, ऐसा है कि देखिए वर्ल्ड में भी प्री हिस्टोरिक पीरियड है, ठीक है, इंडिया में प्री हिस्टोरिक पीरियड है। जब इंडिया में प्री हिस्टोरिक यानी कि प्रौग ऐतिहासिक युग की जब शुरुआत की गई, ठीक है, यानी कि इंडिया में जब जब भारत में प्रौग ऐतिहासिक युग था, जब इसकी खोज की गई, तो उसे जो वर्ल्ड का जो प्रौग ऐतिहासिक है, ठीक है, तब उसे मान्यता प्राप्त नहीं थी। तो सर मॉर्टिमर व्हीलर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के प्रौग ऐतिहासिक को दुनिया के प्रौग ऐतिहासिक जो मैप है, जो मानचित्र है, उसे उसमें रखवा दिया, ठीक है। जैसा कि शुरुआती आदमी का संबंध है, शुरुआती आदमी क्या है कि जब देखिए कि इंसान दुनिया में पहली बार आया था, या दुनिया में इंसान की जब उत्पत्ति थी, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं प्रौग ऐतिहासिक काल में। पूरे उपमहाद्वीप में प्रारंभिक जीव मानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला, लेकिन उसकी उपस्थिति का संकेत लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व के पत्थर के औजारों से है। अब देखिए, ऐसा है कि दुनिया में आदमी की शुरुआत, जो व्यक्ति है, उसकी शुरुआत कब हुई थी, इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता, पर इससे यह संकेत लगाया जा सकता है कि जो व्यक्ति है दुनिया में पहली बार, वो 2.5 लाख ईसा पूर्व आया था। क्यों? क्योंकि देखिए, उस समय जो पत्थर के औजार थे तब वो मिले थे, यानी कि आज से अगर 2.5 लाख साल पहले हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे इंसान था, हम इस बात से पता लगा सकते हैं कि वहाँ पे पत्थर के औजार थे। अब देखिए, जो पत्थर के औजार हैं वो तो व्यक्ति बनाएगा अपने इस्तेमाल के लिए, इसका मतलब अगर वहाँ पे व्यक्ति के बारे में कोई इसका कंकाल नहीं मिला, कोई कुछ नहीं मिला, कोई इसका सबूत नहीं मिला, पर उसके पत्थर के जो औजार पाए गए, इससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो वो पत्थर के औजार थे वो व्यक्ति ने बनाए थे, वो आदमी ने बनाए थे, जिससे 2.5 लाख ईसा पूर्व जो आदमी वहाँ मौजूद हो सकता था। तो भारत में मानव गतिविधि के शुरुआती निशान दूसरे हिम नदी काल में, यानी कि ये कौन सा दूसरा हिम नदी कौन सा, देखिए सबसे पहले क्या था, आइस एज आ गया था, जो इंसान था उसकी जो आबादी थी, उसकी जो जनसंख्या थी, उसकी ना बढ़ने का सबसे कारण ये था कि उस समय हिमयुग था, हिमनद युग था, यानी कि आइस एज था, ठीक है। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि इंसान गुफा के अंदर रहता था, बाहर निकलता नहीं था, जिससे उसकी जो जनसंख्या थी वो बहुत कम थी, तो इसलिए जनसंख्या बढ़ नहीं पाई, ठीक है। यानी कि जो भारत है, भारत में जो मानव गतिविधि है, उसके जो शुरुआती निशान हैं वो कहाँ से मिले, वो दूसरे हिमनदी काल में मिलते हैं, ठीक है, वो मिलते हैं 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व के बीच में। यानी कि 4 लाख से 2 लाख ईसा पूर्व की बात करें तो इसके बीच में क्या है, इसमें भारत में जो मानव गतिविधि है उसके शुरुआती निशान मिलते हैं। अब देखिए, अपनी पहली उपस्थिति से लगभग 3000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने विभिन्न उद्देश्यों के लिए केवल पत्थर के औजारों का उपयोग किया। अब देखिए क्या था कि इनकी पहली उपस्थिति, यानी कि जब इंसान आया था तो उसने, आप ये मान के चलिए कि 3000 ईसा पूर्व जो है मानव ने अपने विभिन्न उद्देश्यों के लिए, इनके विभिन्न कार्यों के लिए केवल पत्थर के औजारों का ही उपयोग किया था, ठीक है। क्योंकि देखिए आजकल क्या है, हर जगह, उस समय देखिए कि लोहे का प्रयोग तो हुआ नहीं था, उसका तो प्रयोग हुआ था बाद में, लेटर वैदिक पीरियड यानी कि उत्तर वैदिक काल में हुआ था, है ना, तब तो पत्थर ही थे। तो उस समय देखिए कि मानव जब विभिन्न उद्देश्य करता था, जब उसने शिकार करना था या कुछ भी करता था, तब वो पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था। उपकरण खनन परंपराओं के आधार पर इस अवधि को इसलिए पाषाण युग के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, पाषाण युग, पाषाण का क्या मतलब है, ठीक है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी कि पत्थर युग या पाषाण युग एक ही बात है, ठीक है। पूरा पाषाण युग यानी कि बहुत पुराना, ठीक है, बहुत पुराना पाषाण युग, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। तो इस अवधि यानी कि जब इंसान 3000 ईसा पूर्व है, आप देखिए कि 2.5 लाख से 10 हज़ार ईसा पूर्व के बीच में ये सारा ही है जो वो पूरा पाषाण युग है, जिसमें आदि मानव के बारे में आपको बताया गया तकरीबन यहाँ पे। अब देखिए, और संपूर्ण पाषाण युग की संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में बांटा गया है, यानी कि अर्थात पैलोलिथिक, यानी कि
इंग्लिश में कहते हैं पैलियोलिथिक, यानी कि हिंदी में से कहते हैं पुराना पाषाण युग या पूरा पाषाण युग या प्रारंभिक पाषाण युग, तो मिसोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण युग, और हिंदी में कहते, और तीसरा है नवपाषाण युग यानी कि नियोलिथिक। तो इंग्लिश में बात करें तो पैलियोलिथिक, ठीक है, तो हिंदी में बात करें तो प्रारंभिक पाषाण युग। तो सिंपल सी बात है कि इसको हम तीन भागों में देख सकते हैं, पाषाण, पूरा पाषाण युग, मध्य पाषाण युग और नवपाषाण युग, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ था, आइए पूरा चलते हैं, सभी को एक एक करके हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, पूरा पाषाण युग, पूरा पाषाण युग जो है वो कब से कब तक है, 2.5 लाख से 10,000 तक है, ईसा पूर्व तक है। देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कोई भी सन याद नहीं करना, क्योंकि देखिए विभिन्न जो किताबें हैं, अलग अलग प्रकार की जो किताबें हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अलग अलग प्रकार से वहाँ पे कालक्रम दिया हुआ है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता की ज़रूरत नहीं है, आपको एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछेंगे ये, ठीक है। इसलिए तो फ्रेंड देखिए, पूरा पाषाण युग की शुरुआत है उस समय से हुई जब सबसे पहले आदमी ने पत्थर के औजार बनाने की कला सीखी। यानी कि अगर हम पूरा पाषाण युग की बात करते हैं कि ये कब स्टार्ट हुआ था, ये तब से माना जाता है जब आदमी ने पत्थर के औजार बनाने शुरू कर दिए थे, ठीक है। जल्द से जल्द आदमी की सबसे बड़ी उपलब्धि उसके सीखने का पता लगाया जा सकता है कि कैसे एक भाला और आग बनाने के लिए उसने ये बनाया। देखिए, जल्द से जल्द आदमी की सबसे बड़ी उपलब्धि यानी कि पहले उसने पत्थर के हथियार बनाए, पत्थर के हथियार बनाने के बाद फिर उसने क्या किया, उसने एक बड़ी कला सीखी। कला क्या सीखी, उसने आग, जो आग की खोज कर ली और एक भाला बना लिया, ठीक है। भाला होता है ना, जो उसने पत्थर का भाला बनाया जिससे आसानी से शिकार किया जा सके, और साथ में उसने आग की खोज कर ली, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे एग्ज़ाम में, बताइए कि आग की खोज जो है वो कब हुई थी, वो पूरा पाषाण युग में हुई थी, ठीक है। आपको बताइए आग की खोज कब हुई थी, कि उसने दो जो पत्थर हाथ में पकड़े हुए थे उसको आपस में टकराने से उसमें से चिंगारी निकली जिससे आग की खोज हो गई, ठीक है। भारत में पूरा पाषाण युग प्लीस्टोनोसीन काल या हिमयुग में विकसित हुआ था। यानी कि भारत में जो पूरा पाषाण, देखिए फ्रेंड्स ऐसा है कि जो पाषाण युग है वो पूरी दुनिया में भी है। जैसे एंशियंट हिस्ट्री यानी कि जैसे प्राचीन इतिहास मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पूरी दुनिया का है, वैसा ही इंडिया का भी भारत में भी है, ठीक है। या सिंपल सी बात करें कि अगर हम प्राचीन मध्यकालीन या आधुनिक इतिहास इंडिया भारत में पढ़ते हैं तो भारत के देश में ऐसा है। तो इसी से ये पता चलता है कि जैसे हम पूरा पाषाण युग भारत में पढ़ रहे हैं तो बाहर के देश यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में भी, वर्ल्ड में भी पूरा पाषाण युग है। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे, भारत में जो पूरा पाषाण युग है वो प्लीस्टोनोसीन काल या हिमयुग में विकसित हुआ था, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि जो पूरा पाषाण युग है, जो काल है, वो कब विकसित हुआ था, वो हुआ था हिमयुग में। गंगा और सिंधु के जलोढ़ भागों को छोड़कर व्यवहारिक रूप से भारत के सभी हिस्सों में फैल गया। अब देखिए, जब ये पूरा पाषाण युग था, ठीक है, ये कहाँ का फैला था, कहाँ का नहीं था। देखिए, गंगा और सिंधु का इलाका यानी कि इंडस वाला इलाका छोड़ दे, ठीक है, इंडस वाला जो एरिया छोड़ दे वहाँ, और गंगा वाला एरिया छोड़ दे वहाँ, अगर हम इन दोनों को छोड़ दें तो भारत के सभी भागों में ये पूरा पाषाण युग था, ठीक है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि पूरा पाषाण युग था वो किन दो जगह पे नहीं था, गंगा और सिंधु। ऐसे एग्जाम में ट्रिक से क्वेश्चन पूछेंगे तो हम आपको आसानी से कराएंगे, तो आप प्लीज़ वीडियो को अच्छे से करिए, और जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो नोट्स बनाते जाइए, ठीक है। जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया है उसे उन्हें हम PDF दे देंगे, जो नहीं ज्वाइन किया है वो साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, उनकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। देखिए, भोजन एकत्रित करना और शिकार करना इस चरण के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। यानी कि जो ये चरण था, इस चरण के लोगों का मुख्य कार्य क्या था, भोजन एकत्रित करना और शिकार करना। अब देखिए, इंसान क्या करता था कि शिकार करता था जिससे वो, और साथ में क्या था, पेड़ों से कंदमूल खाता था। और पूरा पाषाण पुरुषों ने अपने मृत शरीर को लपेटने के लिए जानवर की खाल का उपयोग करना सीखा। अब देखिए, जैसे कोई इंसान डेड हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो उसके लिए क्या करते थे कि शिकार करके जो जानवर की जो चमड़ी थी, जो खाल होती थी, उसको निकाल के उसमें आदमी के जो मृत शरीर को उसमें लपेट दिया जाता था, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सी यहाँ पे ये बात करते हैं कि अगर उसने मृत शरीर को लपेटना होता था तो वो जानवर की खाल का इस्तेमाल करता था, तो अगर उसे भोजन वगैरह एकत्रित करना था तब भी वो शिकार पर ही निर्भर रहता था, ठीक है फ्रेंड्स। तो पेड़ों से कंदमूल भी वो खाता रहता था। इस अवधि के दौरान मनुष्य ने अपरिमर्जित खुरदरे,
पत्थर के उपकरणों का उपयोग किया और गुफाओं में, रॉक शेल्टरों में रहा। अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि जो इस दौरान मनुष्य रहता का था, मनुष्य रहता था रॉक शेल्टर यानी कि गुफाओं के अंदर, ठीक है। यानी कि मनुष्य जो शुरुआती दौर था वो रहता था गुफाओं के अंदर और खुरदरे पत्थर उपकरण का इस्तेमाल करता था। यानी कि जो उसने पत्थर के जो हथियार बनाए थे, जो उपकरण बनाए थे अपने विभिन्न कामों के लिए, तो वो इतने ज़्यादा, ये देखिए कि नुकीले नहीं थे, ठीक है, वो खुरदरे थे। यानी कि उसी उसकी कोई शेप नहीं थी, ठीक है। यानी कि जो उसने उपकरण बनाए थे उसकी कोई शेप नहीं थी, कोई ऐसे नहीं थे, वो खुरदरे पत्थर थे और वो गुफाओं के अंदर रहता था। उन्हें कृषि, आग, किसी भी सामग्री के बर्तनों का ज्ञान नहीं था। अब देखिए, उन्हें ना तो कृषि का ज्ञान था, ना किसी भी आग की जो सामग्री है उसे किसी का ज्ञान नहीं था। और मुख्य रूप से हाथ की कुल्हाड़ियाँ, क्लीवर, हेलीकॉप्टर ब्लेड, यहाँ पे फ्रेंड्स चॉपर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लीवर है, हेलीकॉप्टर लिख हो गया, ये तो गलत है। यहाँ पे चॉपर आएगा, चॉपर, ठीक है, इसको सही कर लेना आप, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, ठीक है, चॉपर आएगा यहाँ पे। अब देखिए, मुख्य रूप से हाथ की कुल्हाड़ियों, क्लीवर्स और चॉपर, ब्लेड, स्क्रैपर्स और ब्यूरो का देखिए इस्तेमाल करता था। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे वो किसका इस्तेमाल करता था, यहाँ पे वो इस्तेमाल करता था, ठीक है, यहाँ पे वो किसका इस्तेमाल करता था, यहाँ पे वो, उसे कृषि का ज्ञान नहीं था, उसे आग का ज्ञान नहीं था, उसे हाथ की कुल्हाड़ियाँ जो उसने हाथ से बनाई रखी थी, जो उसने चॉपर बना रखे थे, जो उसने चाकू बना रखे थे, ठीक है, उसका वो इस्तेमाल करता था, ठीक है। उनके उपकरण एक कठोर चट्टान से बने थे। अब देखिए, जो उसने पत्थर के जो हथियार बनाए थे वो एक कठोर चट्टान से बने हुए थे कि ताकि वो पत्थर जल्दी से टूट ना जाए। तो उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था कार्टराइट कहा जाता था। कार्टराइट का क्या मतलब है कि जिस चट्टान यानी कि जिस पत्थर से जब इंसान ने अपने उपकरण बनाए थे उसे कार्टराइट कहा जाता था। और इसलिए पूरा पाषाण पुरुषों को कार्टराइट मैन भी कहा जाता है। अब देखिए, पूरा पाषाण युग है उसके जो इंसान है, जो पुरुष है, उसे कार्टराइट मैन कहा जाता था, क्योंकि देखिए उसने पत्थर के हथियार बनाए थे जिसे कार्टराइट कहा जाता था, और पत्थर से हथियार बनाने वालों को कार्टराइट मैन कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताइए कि कार्टराइट जो मैन है वो किसे कहा जाता था, पूरा पाषाण युग के व्यक्ति को या पुरुषों को। देखिए, इस चरम के अंतिम में होमोसेफिन दिखाई दिया, पूरा पाषाण व्यक्ति नेग्रेट जाति का था। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात है कि जो इंसान था, ठीक है, जो इस चरम में जो इंसान था वो किस प्रजाति का था, वो होमोसेपियन प्रजाति, वो नेग्रेट जाति का था, तो उसे होमोसेफियन, देखिए फ्रेंड होमोसेफिन है क्या यहाँ पे, जो ह्यूमन है, जो इंसान है, ठीक है, तो उसकी जो प्रजाति है वो होमोसेफिन्स है, तो व्यक्ति नेग्रेट जाति का था। नेग्रेट क्या है कि देखिए, ये माना गया है कि जो इंसान की जो उत्पत्ति है वो साउथ अफ्रीका यानी कि अफ्रीका देश से हुई है। यानी कि जब दुनिया में पहली बार इंसान आया था वो अफ्रीका से आया था, अफ्रीका में नेग्रेट जाति के हैं, तो इसी से पता चलता है कि जो पूरा पाषाण व्यक्ति था वो निग्रो जाति का था या नेग्रेट जाति का था, ठीक है। तो उसकी जो प्रजाति थी उसे होमोसेफिन कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे एक और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखिए, बंदर से बने हैं इंसान, ठीक है, जब बंदर से इंसान बने थे वो अपने चार पैरों से दो पैरों तक चलने लग गया, ठीक है, तो पहली बार दो पैरों पे चलने वाला जो इंसान था उससे उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया होमो इरेक्टस, आप लिख लें यहाँ पे, होमो इरेक्टस कहा गया, ठीक है, दो पैरों पे चलने वाला इंसान को होमो इरेक्टस कहा गया, और उसकी जो प्रजाति थी उसे होमोसेफेंस कहा गया, उसकी जो जाति थी वो नेग्रेट जाति थी, क्योंकि सबसे पहले इंसान दुनिया में अफ्रीका से आया था, तो धीरे धीरे कर। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए सर रॉबर्ट फ्रूस ने 1863 में क्या किया, मद्रास के पास पहली बार पूरा पाषाणकालीन पत्थर के उपकरण की खोज की। अब देखिए, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस जो थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में मद्रास के पास यानी कि तमिलनाडु, ठीक है, उसके पास जो है वो पूरा पाषाण जो कालीन है, जो पत्थर है उसके उपकरण की खोज की, यानी कि उस समय जो पत्थर के उपकरण बनाए जाते थे उसकी खोज की थी सर रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में मद्रास के पास। अब देखिए, भारतीय पूर्व इतिहास की खोज को टैरा और पैटरसन के तहत 1935 में येल कैम्ब्रिज अभियान के बाद बढ़ावा मिला। अब देखिए, जो भारतीय जो पूर्व इतिहास है उसकी जो खोज है उसे जो टैरा और पैटरसन है उसके तहत क्या है, जो येल कैम्ब्रिज है,
ठीक है, जेल के अमृतसर 1935 में उसके अभियान के बाद बढ़ावा मिला। यानी कि भारत में क्या था, लगातार क्या हो रहा था, यहाँ पे प्रोग इतिहास काल के उपकरणों की खोज होती जा रही थी होती जा रही थी, तो जिसे 1935 में बढ़ावा मिल गया। किसे बढ़ावा मिला, टेरर पैटरसन के तहत। अब देखिए खोज क्या थी, यहाँ पे मेन खोज थी आग की, यानी कि पुराभिषाण युग में आग की खोज हो चुकी थी। महत्वपूर्ण स्थल देखिए कौन सा है, सोहन घाटी पाकिस्तान। अब देखिए पूरा पाषाण जो काल है उसके जो स्थल है वो महत्वपूर्ण कौन से हैं, देखिए सोहन घाटी है ये पाकिस्तान में है, ठीक है। ये सोहन घाटी जो मान के चले कि ये सोहन घाटी जो है ये पाकिस्तान में, ये एक नदी का नाम है, यहाँ पे ये उत्तरी पाकिस्तान में नदी का नाम है। ये भीमबेटका जो है भोपाल में है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। गोदावरी घाटी जो है, ठीक है, जो गोदावरी नदी है, गोदावरी वैली जो है महाराष्ट्र में। नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश में। तुंगभद्रा जो है वो कर्नाटक में, कर्नाटका में। यहाँ की यानी कि यहाँ पे क्या है, पूरा पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण ये स्थल है। अब देखिए पैलोलिथिक चरण को, यानी कि पूरा पाषाण युग को क्या है, क्या था यहाँ पे, लोअर पैलोलिथिक, ठीक है, इसे तीन भागों में बांटा गया, लोअर पैलोलिथिक, मध्य पूरा पाषाण या मिडल पैलोलिथिक और ऊपरी पैलोलिथिक चरण, ठीक है, अपर पैलोलिथिक, ठीक है, इसे भागों में बांटा गया। अब देखिए पैलोलिथिक यानी कि अगर हम बात करें पूरा पाषाण युग की तो वो 2.5 लाख से 10,000 के बीच में है, तो इसे तीन भागों में बांटा गया, ठीक है, पहले लोअर, फिर मिडल, फिर बाद में क्या अपर, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि निचला, मध्य और ऊपरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि लोअर पैलोलिथिक यानी कि जो निचला चरण था पूरा पाषाण युग का, वहाँ पे क्या था, ये कौन सा समय था, ये था 2.5 लाख से 1 लाख समय के बीच, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, कुल्हाड़ियाँ हैं, चॉपर्स हैं, ठीक है, चॉपिंग टूल हैं, तो काफ़ी कुछ यहाँ पे मिला। यानी कि जो मुख्य रूप से जो हाथ से बनाए गए जो पत्थर के जो हथियार थे उसका यहाँ पे प्रमाण मिला है, ठीक है। तो चॉपर वगैरह मिले, चाकू वगैरह काफ़ी कुछ मिला पत्थर का। तो और बर्फ़ के युग से अधिक भाग को कवर करते हैं। देखिए जो आइस एज की हमने बात की थी कि इंसान की जो जनसंख्या बढ़ने पर आइस युग के कारण, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो जो निचला जो यानी कि लोअर जो पूरा पाषाण युग है उस समय में, देखिए उस समय में क्या था, उस समय बर्फ़ का युग था। अगर हम बात करें 2.5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में, तो 2.5 लाख से 1 लाख का जो समय था उस समय क्या था, उस समय बर्फ़ का युग था, ठीक है। इस अवधि में जलवायु कम आर्द्र हो गई। देखिए मध्यम पाषाण युग के उपकरण जो है वो फ्लैक उद्योगों पर आधारित थे। उसके बाद ऊपरी पैलोलिथिक चरण में दफन और स्क्रैपस और एक गर्म और कम आर्द्र जलवायु की विशेषता है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे कि हमने यहाँ पे देखा ना ऊपर की तीन भागों में बांटा गया कि लोअर यानि कि निचला जो पूरा पाषाण युग था उसमें क्या था, बर्फ युग था। फिर मिडल वाला आया, उसमें थोड़ी गर्मी कम और उसमें ठंड कम होती गई। फिर जो ऊपरी यानि कि जो अपर जो मध्य पाषाण युग था उसमें क्या था, उसमें थोड़ी थोड़ी गर्मी आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो इंसान क्या हुआ, इंसान बाहर निकल के आया, यानी कि वो पहले गुफाओं में रहता था, फिर वो बाहर रहने थोड़ा सा बाहर जाके रहने लग गया गुफाओं से, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 लाख साल पहले तक बड़ा हुआ था मध्य पैलोलिथिक 40। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऐसे संधि हुए हैं, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए सोवन और निकटवर्ती बेलन घाटी मिर्ज़ापुर यूपी लोअर पैलोलिथिक यानी कि निचला पूरा पाषाण से न पाषाण तक की कलक ऋतु का एक क्रम प्रदान करती है। अगर आपको पूरे पाषाण युग की जिसमें तीनों पार्ट कवर हों, जिसमें लोअर है, मिडल है, अपर है, ठीक है, तीनों पार्ट कवर होते हो पूरा पाषाण युग के, तो उस समय की जो कलाकृतियां हैं वो एक क्रम में प्रदान की गई हैं। पर किस जगह पे है, वो है बेलन घाटी मिर्ज़ापुर यूपी के अंदर, ठीक है। आपको वहाँ पे पूरे पाषाण युग की 2.5 लाख से 10,000 के बीच में जो ईसा पूर्व के बीच में जो जो कलाकृति थी आपको पूरी लाइन वाइज जो क्रम वाइज आपको वहाँ पे मिल जाएगी। भीमबेटका पहाड़ी के पास आसपास मध्य भारत में नर्मदा नदी पर होशंगाबाद के पास गुफाओं और रॉक आश्रय होते हैं, रॉक शेल्टर इनकी गुफाएं, ठीक है, ने पैलोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण निवास स्थान के पास उपज प्राप्त की। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जो इंसान था वो कहाँ रहता था, वो रहता था भीमबेटका की पहाड़ियों के पास, जो नर्मदा नदी थी वहाँ पे उसके पास गुफाओं में वो इंसान जो रहता था, ठीक है। अगर हम इस जगह पे जाए तो हमें उस टाइम के इंसान के
जो है वो उपकरण दिखाई देते हैं, तो उसका प्रमाण वहाँ पे मिलता है। मिमेटिका में क्या है कि देखिए गुफाओं के अंदर क्या पेंटिंग्स की गई थी, इतने अच्छे रंग वहाँ पे इस्तेमाल किए गए थे कि इतने हज़ारों साल पहले के रंग आज भी वहाँ पे मौजूद हैं, इतना अच्छा पेंट था वहाँ पे। ठीक है, तो देखिए नर्मदा के पास बिबेटका में गुफाओं से रॉक आश्रयों, यानी कि यहाँ पे गुफाओं की बात की जा रही है, जहाँ पे रॉक शेल्टर, जहाँ पे इंसान रहता था गुफाओं के अंदर, की एक श्रृंखला की खुदाई की गई। यानी कि जो नर्मदा नदी है उसके बाद जो बिबेटका है मध्य प्रदेश भोपाल में, ठीक है, जो बिबेटका है वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो गुफाएं हैं उसकी एक श्रृंखला की खुदाई की गई, जिसमें क्या है उस समय के मानव की जो जो उस समय की जो मानव वहाँ पे रहता था उसके बारे में पता चलता है। यहाँ पे मध्य पाषाण युग के दौरान होमो इरेक्टस विकसित हुआ। मैंने आपको बताया ना अभी, होमो इरेक्टस कौन था, जो सबसे पहले दो पैरों पर चलने वाला व्यक्ति था उसकी प्रजाति को होमो इरेक्टस कहा गया। ऊपरी पुरापाषाण संस्कृति हिम युग के अंतिम चरण से संबंधित है। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पे अपर पैलियोलिथिक यानी कि ऊपरी पुरापाषाण संस्कृति की। ये हिम युग का अंतिम चरण था, यानी कि ये आइस एज का अंतिम चरण था, क्योंकि देखिए ठंड कम होने लग गई, गर्मी थोड़ी सी आने लगी, मौसम में चेंज होने लग गया, तो ये उसका अंतिम चरण माना जाने लग गया। यह संस्कृति उद्योगों में उपस्थिति और होमोसेपियंस या आधुनिक आदमी के द्वारा चिन्हित है। अब देखिए इसमें क्या है, संस्कृति में यहाँ पे होमोसेपियंस है और यहाँ पे आधुनिक मानव है। ठीक है, होमोसेपियंस मतलब क्या है, आधुनिक मानव। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे बात करते हैं कि पुरापाषाण युग में क्या था, आग की खोज हो चुकी है यहाँ पे, यहाँ पे आइस एज था। ठीक है, इस समय क्या था, होमोसेफियंस जो है व्यक्ति था वो कहाँ पे सबसे पहले आया था, अफ्रीका में, उसकी प्रजाति का नाम क्या था, निग्रेट। तो आइए अब बात करते हैं मध्य पाषाण युग की। ये था 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। देखिए 10,000 ईसा पूर्व के आसपास बड़े बदलाव दिखाई देने लग गए थे, लेकिन लगता था कि मध्य पाषाण युग का आरंभ लगभग 9,000 ईसा पूर्व और 8,000 ईसा पूर्व में हिम युग के साथ हुआ था, और 4,000 ईसा पूर्व तक कुछ स्थानों पर जारी रहा था। अब देखिए ऐसा है कि इन्होंने यहाँ पे डेट दे रखी है 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 तक, पर कहते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे बदलाव देखे गए। ऐसा लगता है कि जो मध्य पाषाण युग था उसका आरंभ जो था वो 9,000 से या 8,000 से माना जाता था। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 10,000, पर इनका मानना ये है कि ऐसा लगता है कि 9-10,000 में नहीं हुआ था ये, 9,000 या 8,000 में हुआ था। ठीक है, जो 4,000 तक रहा था। अब देखिए कुछ बुक्स में 9,000 है, कुछ में 8,000 भी है, कुछ में 10,000 भी है, तो गलत कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे ऐसा है कि मान लीजिए कि भारत के किसी साउथ इंडिया में बात कर रहे थे, मान लीजिए कि वहाँ पे किसी समय में कोई खुदाई हुई, तो वो तो वही डेट लिखेंगे वहाँ पे। ठीक है, दूसरी जगह पे मान लीजिए कुछ और कितने समय में हुई, तो वहाँ पे वो डेट लिखेंगे। तो डेट सारी सही है, बस ये कि जब जब खुदाई होती गई वो उस समय को ऐड करते गए, तो इसलिए जगह जगह के जो पब्लिकेशन है, जो जगह जगह की जो देखिए जो बुक्स हैं उसमें अलग अलग डेट्स जो पाई जाती हैं। ठीक है, इस युग में जलवायु परिवर्तन ने जीव और मानव को नए क्षेत्रों में जाने को संभव बनाया, तब से जलवायु में बड़े बदलाव नहीं हुए। अब देखिए ऐसा था कि पहले क्या था, हिम युग था, इंसान गुफाओं के अंदर रहता था, ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए वो बाहर नहीं आता था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, हिम युग यानी कि आइस एज ख़त्म होने लग गई, और साथ में क्या था, गर्मी थोड़ी सी बढ़ने लग गई, तो जिससे क्या था, इंसान गुफाओं से बाहर निकलने लगा, तो और वो नए नए क्षेत्रों में जाने लग गया। ठीक है, अब देखिए उस समय क्या था कि जलवायु में बड़े परिवर्तन नहीं देखे गए। अब आप ये देखिए कि इस ज़माने में हम 4G के ज़माने में रह रहे हैं, आप देखिए कि उस समय का वो समय था जब कुछ भी तरक्की नहीं थी, जब बिल्कुल बेसिक से शुरुआत थी। ठीक है, कि तब वो माहौल कैसा होता होगा, आप ये सोच के देखना। ठीक है, जब कुछ भी नहीं था तो कितनी तरक्की है की है। ठीक है, देखिए मध्य पाषाण युग को कुछ कलाकृतियों के आकार में कमी और ज्यामितिक माइक्रोलिथ के उच्च अनुपात की उपस्थिति के साथ पुरातात्विक दृष्टिकोण से अच्छी तरह से स्थापित टूल प्रकारों के आकार में कमी की विशेषता है। अब देखिए मध्य पाषाण युग में क्या था, यहाँ पे क्या है कि कलाकृतियों के आकार में कमी, यहाँ पे क्या है, देखिए पहले क्या था, पूरा पाषाण युग में जो पत्थर के हथियार बनाए जाते थे वो रफ टूल से, यानी कि उनकी कोई शेप नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, पर जब मध्य पाषाण युग आया इंसान में थोड़ी सी वो दिमाग उसका विकसित होने लग गया, तो उसने हथियार छोटे बनाने शुरू कर दिए, उसको तीखा कर दिया। ठीक है, तो उसने काफ़ी शेप देने लग गया अपने औजारों को, पहले कोई शेप नहीं थी, अब वो शेप देने लग गया।
माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ का क्या मतलब है, माइक्रो मैंने होता है छोटा, लिथ मतलब होता है पत्थर, यानी कि छोटा पत्थर, पहली बार 1867 यानी कि 1867 में सी एल कलाइल द्वारा विंध्यन रॉक शेल्टर में खोजा गया। उस युग के चारित्रिक उपकरण हैं जिनमें पत्थर से बने नुकीले अर्धचक्राकार ब्लेड, स्क्रैपर्स आदि शामिल हैं। अब देखिए माइक्रोलिथ जो है वो छोटे छोटे पत्थर है, इसकी खोज पहली बार कब हुई थी, 1867 में, ठीक है, किसने की थी है, सी एल कलाइल ने, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है बताइए कि माइक्रोलिथ यानी कि जो छोटा जो पत्थर है, ठीक है, उसकी खोज सबसे पहले मध्य पाषाण युग में किसने की थी, ठीक है, और कब की थी, 1867 में एस क्लाइव ने, ठीक है। इसमें क्या मिलना था, इसमें मिलना था जो पत्थर से बने जो हथियार थे वो नुकीले थे, तो बात करते हैं यहाँ पे जीवन शैली की। अब देखिए जीवन शैली उस समय के लोग कैसे रहते थे, देखिए मानव सामाजिक विकास के शिकार सभा खानाबदोश देहाती चरणों का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि लोग शिकार भोजन सभा पर रहते थे, बाद के स्तर पर जानवर पालतू को भी पाल लिया। देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले इंसान क्या था शुरुआती चरण में, वो खानाबदोश यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर वो रहते थे, ठीक है, बाद में जिन जानवरों का भी शिकार करते थे फिर उन्होंने उन्हें पालना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद इस उम्र के लोगों ने 8,000 ईसा पूर्व के रूप में अपने विशेष अनुकूलन को प्राप्त किया जो दोनों यूरोप और अफ्रीका के साथ मेल खाता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि 8,000 ईसा पूर्व जो यहाँ पे भारत में 8,000 ईसा पूर्व का जो काल था वो अफ्रीका और यूरोप के साथ मैच जो मेल खाता है। इस युग के अंतिम चरण में प्लेन खेती को देखा गया। पूरा पाषाण युग में लोगों की धार्मिक प्रथाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन मध्य पाषाण युग के साथ उनके बारे में पुरातात्विक जानकारी उपलब्ध हो जाती है। दफन और रॉक पेंटिंग हमें धार्मिक प्रथाओं के डेवलपमेंट के बारे में या विकास के बारे में विचार देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि जब पूरा पाषाण युग था वहाँ पे इंसान के धर्म के बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं था, परंतु जब मध्य पाषाण युग आया तब क्या था, तब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मिलने लग गई उसकी धार्मिक प्रथाओं के बारे में। क्योंकि देखिए जब वो जब उसने जब जब वो गुफाओं में रहता था तो उसने पेंटिंग्स की थी, ठीक है, पेंटिंग से साफ पता चलता है कि वो थोड़ी सी धार्मिक प्रथाओं में भी भाग लेने लग गया, जबकि पूरा पाषाण में ऐसा नहीं था, मध्य पाषाण में उसकी पेंटिंग से इसके बारे में पता चलता है। देखिए भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्ज़ापुर जैसे कुछ मैसोलिथिक स्थल यानी कि मध्य पाषाण युग के जो स्थल थे वो अपनी समृद्ध कला और चित्रों के लिए प्रसिद्ध थे। यानी कि भीमबेटका की बात की जाए या इन जगहों की बात की जाए तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा समृद्ध कला थी। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए जो चित्र थे, जो चित्रकारी थी, जो पेंटिंग्स थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी वो बहुत ज़्यादा अच्छी की गई है यहाँ पे। अगर यानी कि उस समय के इंसान की बात करें जब वो गुफाओं के अंदर रहता था तो उसने उस समय पेंटिंग करनी शुरू कर दी थी जिसमें वो जानवरों के चित्र भी बनाया करता था। सबसे ज़्यादा वो क्या था, वो हिरण के या मृग के वो उसने पेंटिंग्स की हुई है, उसके चित्र बनाए हुए हैं दीवारों पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि बाघ और जो बाघ है, जो बंदर है, उसके दुर्लभ चित्र हैं पर हिरण के सबसे ज़्यादा चित्र हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये पाठ, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे हम डेली के डेली लेक्चर डालते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।